हेलो पोके ट्रेनर्स, कैसे हो। स्वागत है पोके स्टॉप के एक नए वीडियो में। तो गाइस देखो, आज का जो वीडियो होने वाला है वो सफारी जोन के ऊपर वीडियो होने वाला है। अब देखो सफारी जोन क्या होता है। सफारी जोन एक इवेंट है जो सिंगापुर में मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है। उधर क्या होता है, पोकेमॉन गो ने सिंगापुर में एक ऑर्गेनाइज किया है सफारी जोन। वो एक इवेंट जैसा रहता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाके पोकेमॉन पकड़ते हैं, ठीक है। लेकिन पकड़ने के लिए उधर टिकट लगता है, आपको उधर जाने के लिए टिकट लगेगा जो आपको परचेस करना है, और आपको आप परचेस करने के बाद ही उधर जा सकोगे और पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब देखो सफारी जोन में हमें क्या मिलता है, उधर ढेर सारा पोकेमॉन आपको मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो उधर आपको बहुत शाइनी भी मिलेगा, बहुत सारा शाइनी पोकेमॉन मिलता है उधर। तो चलो आज हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप स्पूफिंग के मदद से बिना कोई टिकट परचेस किए, बिना कोई टिकट परचेस किए, एक भी पैसा खर्चा ना करके आप सफारी जोन में जा सकोगे और उधर से आप पोकेमॉन को पकड़ भी सकोगे और शाइनी भी मिलेगा आपको। और जो स्पेशल कॉस्ट्यूम वाला जो पिकाचू आया आप वीडियो में देख सकते हो, वो पिकाचू भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखो क्योंकि इस वीडियो में आपको वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कब मिलेगा वो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो के बीच बीच में वो कोऑर्डिनेट आता रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको नोट डाउन करके रखना है, और वीडियो देखने के बाद अपने ऐप में जाओ, मतलब पीजी शार्प ऐप में जाओ, कुछ भी आप जो स्पूफिंग ऐप यूज़ करते हो तो उसमें जाके लोकेशन में आपको वो कोऑर्डिनेट दे देना है, और उस कोऑर्डिनेट में जाके आपको पोकेमॉन को पकड़ना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जो पिकाचू मैंने जो कहा था आपको, तो अभी देखो मुझे वो पिकाचू मिलेगा, तो आपको पता भी चल जाएगा ये मतलब वो एग्जैक्टली सफारी जोन है कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ वो जो पिकाचू है वो मुझे कहाँ मिला था, आप लोग देख लो वीडियो में। तो गाइज अभी देख सकते हो इधर एक पिकाचू स्पॉन हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो पिकाचू सफारी जोन का है कि नहीं, आप लोग देख लो। इधर देखो स्पॉन हुआ, देखो एकदम एग्जैक्टली वही पिकाचू है। तो इससे मुझे भी कंफर्म हो गया था कि यही सफारी जोन है, और आपको भी शायद अभी तक कंफर्म हो चुका है कि ये कोऑर्डिनेट बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो को देखते रहो, और जो चैनल में नए हो जाके अभी जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है। आपके लिए मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। अब देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी सफारी जोन में, जैसे हमें पता है कि बहुत सारा शाइनी पोकेमॉन मिलता है, अब देखते हैं वो शाइनी पोकेमॉन सच में मिलता है कि नहीं, या पोकेमॉन को हमारे साथ स्कैम कर रहा है। तो आप लोग देखो वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ा पोकेमॉन को कि शाइनी है कि नहीं। पोकेमॉन तो बहुत सारा स्पॉन हुआ था, मतलब अलग अलग टाइप का बहुत पोकेमॉन स्पॉन होता है सफारी जोन में, ये तो बिल्कुल सच है, ठीक है। लेकिन अभी देखना है शाइनी। अब देखो मुझे जो दूसरा जो टैंगला उधर स्पॉन हुआ था वही शाइनी था, तो ये तो सच है कि शाइनी मिलता है। तो ये मेरा पहला शाइनी था सफारी जोन में, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ दूसरा जो शाइनी मिला था, ठीक इसके 5 से 10 मिनट बाद ही मुझे मेरा दूसरा शाइनी मिला था, वो अभी आप लोग देख लो। तो गाइज देख लो ये मेरा दूसरा शाइनी पोकेमॉन है ड्रिफ्लून, जो मुझे सफारी जोन में मिला है। तो गाइज मैं 2 ही शाइनी पोकेमॉन का रिकॉर्ड कर पाया, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ टोटल मुझे 7 शाइनी पोकेमॉन मिला है सफारी जोन में, और मैंने लगभग 1.5 घंटा खेला है उधर। तो गाइज यही था वीडियो, तो सफारी जोन में जाओ और पोकेमॉन को पकड़ो, आपको भी ज़रूर शाइनी मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। और उधर बहुत सारा पोकेमॉन स्पॉन होता है, ठीक है, ये एक इवेंट हो रहा है ये, और जो ये कोऑर्डिनेट से आप अगर आप जाओगे तो आपको कोई भी कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा, कोई भी टिकट को परचेस नहीं करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ है। तो जाके अभी करो, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ कर दो, वीडियो में एक लाइक कर दो और चैनल को जाके अब भी सब्सक्राइब कर दो। देखो ऊपर एक कोऑर्डिनेट आ रहा है जिसको आपको कॉपी करना है और जाके स्पूफ करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।